जय माता दी। आज एक बार फिर हम अपने तरफ से अपने बहन मोहिनी भैया रोहित जी, बेटी पायल और दामाद महिनेश जी के तरफ से आप सभी को उनके द्वार पे अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। हर रात्रि को जैसे मैं कह रहा हूँ कि नवम रात्रि की आज पांचवी रात्रि है, आप सभी ने अपने बहनों और समय निकाल कर आया हमें साथ दे रहे हैं माता की जागरण में, उनके आशीष पा रहे हैं। आप सभी को हम अनेकों बार धन्यवाद देना चाहेंगे। भगवान को कैसे हम भूल सकते जिसके असीम कृपा से आज हमें पांचवी रात्रि ऐसे सुखद मिली कि ना जाड़ा ना बारिश कुछ भी नहीं हमें सता पाई। तूफान आए चले गए, फिर भी हमारी जो मन्नतें हैं वो चल रही है। बारम्बार भगवान के भी चरणों में हम धन्यवाद देंगे। फिर कैसे भूल सकते हैं हमारे पूजनीय पंडित जी जो हर रात्रि को और हमें सुंदर सुंदर कथा से मुक्त कराते हैं, लुप्त उठाने के ऐसे मौका देते हैं। उनके चरणारविंद में हम सभी भक्तों का बारंबार प्रणाम स्वीकार। जी जब तक हमारी आज की कथा चलती रहे हम चाहेंगे आप सब कोशिश करें कुछ गुनगुनाए कुछ ताली द्वारा और हमें अपना सहयोग प्रदान करें और हमारे साथ सांचित पूरक देने की प्रयास करें। छोटे बच्चे हालांकि छोटे बच्चे तो छोटे होते हैं, रोएंगे गाएंगे जैसे भी उनके उनके ही हाल में छोड़ देंगे, कोशिश करेंगे मगर कोई चिंता नहीं है। बड़े जन हम सब मिलकर के आज की परायण को अच्छे से शुरुआत करेंगे और उसे समाप्त करेंगे। चले इन्हीं चंद शब्दों के साथ साथ में हम चाहेंगे पंडित जी से अपने मुखारविंदों से आज के जो कार्य है उसको पुनः प्रारंभ करने की प्रयास करें। पूजनीय पंडित जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया तुम्हें दोस्त समस्त जितने भी हमारे साथ संगत हैं सबको अपने सानिध्य में रहते हुए ग्रह स्वामी कथा के मुख्य आयोजन करता हमारे रोहित जी उनकी धर्म पत्नी मोहिनी और साथ में बहन जी उनकी बेटी श्वेता और जमाई राजा मोहिनेश समस्त जितने भी और परिवार जन जुटे हैं सबको भूरी भूरी धन्यवाद। हमारे बीच में पुनः एक बार आशीर्वाद और दर्शन देने के लिए मामा श्री राम धर्मानंद जी, मामी श्री और भी जितने हमारे सहयोगी लोग हैं सबको सानिध्य में रहते हुए चले हम पांचवी रात्रि का जो कार्य है उसको संपन्न करें। कथा में प्रवेश करने से पहले नियम बनता है हमारा, सर्वप्रथम तो मैं रेडियो रिश्ते से जुड़ा हुआ जितने भी लोग हमारे बीच में अभी तक हमें अपना प्यार आशीर्वाद दिए हैं सबको करबद्ध होकर के मैं धन्यवाद करता हूं। आपकी संख्या दिन के दिन बढ़ती जा रही है और इसमें आप सबका प्यार जो मिल रहा है उसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद। सिल शर्मा जी और हमारे शुभम सिद्धांत लाल साथ में प्रकाश सती सिंह जी और हमारे प्रेजेंटर निमरा पठान जी और माधवी बिल्ले जी, हमारे एडमिन मिथिलेश भैया जो हमारी चैनल मैनेज करते हैं उनको भी सानिध्य में लेते हुए
चले हम नमन बेटा को पुनः एक बार सवनेश चट्टी और हमारे सवनेश जो हमें 3 दिन तक अपने ढोलक पर वाद्यंत्र पर हमारे साथ दिया, इनको जोरदार ताली दिया पहले, बहुत बहुत इन्होंने अच्छा साथ दिया हमारा। विकास प्रसाद आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आप बहुत प्रोत्साहित करते हैं अपने पुत्र, आज उनका बारी आता है कि वह अपने मुखारविंद से कथा के कहीं ना कहीं बीच में वो जरूर हमको एक बहुत सुंदर भजन सुनाएंगे देवी का। तो चले ध्यान करेंगे हम, सबसे प्रथम हाथ में पुष्प ले लेंगे, जल आचमन कर लेंगे पहले। हरि भद्रं कर्णे भी शृणो देवा भद्रं वीक्षमाक्षवीर्याजात्रा स्तररङ्गो स्वस्तिष्ठगम् स्वस्ते नीर्याचेमि देवाहेत यदायो अपावित्र वा परवा पावित्र वा सर्वावस्थाङ्गतोऽप्य वा यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षः स वा हे अभयन्त्राः सूचि पुंडरीकाक्ष पुनातु। हाथ में पुष्प ले गणपति भगवान को प्रार्थना करें, सब हमारे साथ में बोले ओम गजानन भूत गणाधि सेवितम् कपित जम ओ फल चारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरो पादपङ्कजं। बोलि गणपति भगवान की। मां सरस्वती को प्रणाम करें। या कुंदेन्दो तुषारहारदमल या सुप्रवस्त्रावृत या वीणावरदन्नमण्डीतकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा चित्तशङ्करा प्रवृत्तिर् देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाद्यापा। एक बार बोले सब, भगवती माँ सरस्वती की जय। अपने अपने माताओं को हम सब प्रणाम कर ले। ओम मातृदेव भव। अपने पूज्य माता श्री को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं। अपने अपने पिता, चाहे वो जीवित हो चाहे वो स्वर्गवासी हो चुके हों, उनको हम प्रणाम करें। ओम पितृदेव भव। मैं अपने स्वर्गीय पिता श्री को प्रणाम करता हूं। हमारे गुरुजन, चाहे हमें किसी रूप में उन्होंने शिक्षित किया है,
यतिक्षित किया है, ऐसे महान गुरुओं को हम प्रणाम करें। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान शक्ति समाडूड तत्वमाला विभूषिता भुक्ति मुक्ति प्रदात च तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने पूज्य गुरु प्रातस्मरणीय आदरणीय स्वामी श्री लक्ष्मण दास जी महाराज के चरणों को साष्टांग प्रणाम करता हूं। और भी जितने हमारे विद्वत लोग हैं, जितने संत समाज हैं, जितने साधु वृंद हैं, सबको भूरी भूरी प्रणाम। आप जहां भी हो, जिस देश में हो, अपना आशीर्वाद हमें रोज देते हैं, इसके लिए विशेष विशेष आप सबको नमन वंदन। आए हम अपने हाथों में भगवती मां के भेंट ले लेंगे, प्रसाद हो, पंचामृत हो, किसी तरह का पकवान हो, नैवेद्य हो, भावप्रद होकर के हम ये दोस्त के साथ में अर्पण करें। Thank you.
इदं फलं मायादेवं स्थापितं पुरोतस्तव तेन मा सफलावाप्ते भरवे जन्मनि जन्मनि ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा भोग लगाने के बाद में आचमन कर लेंगे। ओम गंगा चय यमुना चय गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी शीतलं जलं आचमन्यम् धन्यवाद। अब आप हाथ में अच्छी की चंदन भूल गया था ना, अच्छा चंदन लगा एक दूसरे को लगा करके फिर हम चंदन को दे देंगे, सभी श्रोता अपने माथे पर लगा लेंगे। ओम श्री खंड चंदनम देव्यम गंधारिया सुमनोहरम विलेपनम सुश्रेष्ठ चंदनम समर्पया चंदनत्या महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपादं हरते लक्ष्मी स्तिष्ठते सर्वदा। एक बार मैं भूल स गया था, जब मास्टर सतेंद्र नंदन को देखा ना तो हमें याद आ गया इस बात। आज मंगलवार है और पिछले 3 सालों से हर मंगलवार को रेडियो रिश्ते के चैनल पर मैं 7 बजे घरों घरों में आता हूँ श्री रामचरितमानस की कथा को लेकर के, जो अभी उत्तरकांड के उस मोड़ पर पहुंचे हैं कि जब बारी बारी से श्री भगवान राम जी सब जितने वानर वृक्ष आदि हैं सबको विदा कर रहे हैं और फिर अंत में उन्होंने स्वयं श्री विभीषण महाराज हनुमान जी को विदा करने वाले हैं। वहां तक पहुंचे हैं कथा, लेकिन आज हम श्री रामचरितमानस कथा नहीं बल्कि हम देवी श्री देवी भागवत पुराण को अपने सामने जो विद्यमान है उनको सभी को एक बार प्रणाम कर लें, क्योंकि कल आप लोगों ने सुना कि श्रीमद देवी भागवत पुराण साक्षात भगवती देवी का वांग्मय मूर्ति है। तो इसको कभी हम कल बताए थे ना, ये कामना करें प्यार से श्रद्धा से हम इनको प्रणाम करें। और जो कोई भी करता है आज के प्रसंग में आप सुनोगे भगवान के विभिन्न अवतारों का तो वर्णन होता ही होता है। हमारे वेद व्यास मुनि महाराज के द्वारा 4 वेद में से 18 पुराण कैसे विभाजित हुआ, 2 सेक्टर होंगे आज की कथा में। 1 सेक्टर वो होगा जब हम पूरा के पूरा 18 पुराण सुनेंगे
उनके श्लोक संख्या सुनेंगे और फिर उसके बाद में हम भगवान के वो अवतार का वर्णन करेंगे जो कल आपने बहुत ही संक्षिप्त में सुना कि भगवान हय गुरु हुए हैं। और भगवान हय गुरु क्यों हुए हैं? रोज रोनिश हमारे बहुत ही विख्यात चैनल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कथाओं को जगह जगह से बटोर करके लाते हैं और कथा हमारे लोगों को बीच में बांटते हैं। तो रोनिश आपको भी हम स्वागत करते हैं। दोस्त भैया एक श्लोक बोले हमारे साथ। हमारे सभी के अंदर में कहीं ना कहीं छुपा किसी न किसी प्रकार का मोह, किसी ना प्रकार किसी प्रकार का लोभ, किसी ना किसी प्रकार का चिंता, किसी ना किसी प्रकार से क्रोध, ये सब जो विकारें हैं हमारे अंदर में भरी पड़ी है। और हे मां हमारे मन को पवित्र करें। मन कैसे पवित्र हो जब हम अंतःकरण से देवी देवताओं का जब हम ध्यान करेंगे तो हमारा मन एकाग्रचित हो जाता है। मन जब एकाग्रचित हो गया तो फिर हमारे विकारे स्वाभाविक है वो हमसे दूर दूर निकल जाएंगे। मन निर्मल हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा। सुभाष भैया यही विशेषता होती है। एक घंटा अगर आपने ध्यान से कथा सुना तो एक घंटा आपके अंदर में किसी प्रकार का चिंता भी नहीं रहेगा, किसी प्रकार के दुख भी अगर हमारे जीवन में है वो दुख से भी हम दूर हो जाएंगे और हमें ऐसे लगेगा कि कोई औषधि हमने खाए हैं और उस औषधि के कारण हम बड़े लाइट फील कर रहे हैं। ठीक ना? आइए सभी कोई हमारे साथ में चले और हम एक अपने तरफ से छोटा सा जो मैं हर देवी भागवत कथा में गाता रहता हूँ क्योंकि उमेंदस्त नहीं होते। अब जब उमेंदस्त भैया नहीं होते तो उस समय सारा भार मेरे ऊपर ही होता है। कथा भी करना, कीर्तन भी करना, भजन भी करना तो एक आदत सी बन गई है, इसलिए थोड़ा अपनी आदत को मैं ताजा कर लूं। भाव से चले हम सब बोले हम तेरे ही गुण गाते हैं चरणों में शीश नवाते Yeah.
हर विद्या चाहे ज्ञान तुझे, हर विद्या चाहे ज्ञान तुझे, अपनी शक्ति का मान तुझे, अपनी हर दुख की है पहचान तुझे, हर दुख की है पहचान तुझे, जब दर पर आते हैं ब्रह्मा, जब दर पे आते हैं तेजों का ताल सुनाते हैं, हम तेरे जादी वाली उंगलियों के चलन पर हम आपके लिए चलते हैं। श्री नारद जी द्वारा व्यास जी को देवी की महिमा जो उन्होंने वर्णन करी, अब नारद जी श्री वेद व्यास मुनि महाराज के गुरु हुए और श्री वेद व्यास मुनि के परम शिष्य हुए हैं श्री सूत जी महाराज, और श्री सूत जी महाराज के सौनक आदि 88,000 ऋषि वृंद हुए और सभी पावन नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक जी को आगे करके
और विभिन्न प्रश्नों का उत्तर महाज्ञानी सूत जी से पा रहे हैं। सूत जी बोले हैं कि प्राचीन काल में एक समय सत्यवती के पुत्र श्री व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के किनारे पर अपने आश्रम में गौरव पक्षी को जो जोड़ा था ना बड़ा कुछ छेड़ना नहीं उसको बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की बोलिए श्री भगवती जगदम्बा आदिशक्ति माँ की पुनः एक बार सब बोले बोलो आदिशक्ति जगदम्बा भवानी माता की धन्यवाद। और दो गौरिया चुड़िया व्यास जी के आश्रम के पास ही घोंसले में अंडे को सेक रहे और एकाएक अंडा फूटते हैं और उसमें छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं। व्यास जी बैठ करके देख रहे हैं और दोनों जो गौरे चिड़िया थे वो बड़े प्यार से वो छोटे बच्चे को मुख चुंबन कर रहे हैं उनको प्यार कर रहे हैं। व्यास जी ने देखा तो उनको लगा कि जब ये दोनों चिड़िया कि जानवर में इतना प्रीत है तो मनुष्य के बच्चे कितना प्यार हमको दे पाएंगे। इसमें विलीन हो गए व्यास जी महाराज और तब क्या होता है व्यास जी कल्पना करने लगते हैं मेरे भी तो कोई संतान नहीं है और मैं भी चाहता हूं कि हमें भी संतान का प्रेम मिले। व्यास जी कहते हैं स्वयं संसारे अत्तम समाख्यातम सुखानामोत्तमम सुखम पुत्रगाति तत्र परिश्वंग लालनं च विशेषतः। इसका भावार्थ क्या है इसका भावार्थ यह है कि पुत्र रहित ना तो सदगति प्राप्त होता है और ना उसे स्वर्ग की गति मिल पाती है। अब एक संशय को थोड़ा दूर करना चाहूंगा मैं। एक तो वो संतान होते हैं जो अपनी जननी से जन्म लेते हैं एक माता पिता का उनके अपने खून से जन्म लेता है और एक वो होते हैं
जिनको आपने गोद भी ले लिया हो, जिनको इसके विषय में मैंने बहुत अच्छी रिसर्च करी, जिनको आपने अपने मन कर्म वचनों से अपना पुत्र स्वीकार कर लिया हो, वो आपका ऐसा पुत्र बन सकता है जो शायद आपके स्वयं के जन्मे बेटे ने आपको उतना प्यार उतना आश्रय नहीं दे सकता जितना वो दे सकता। अब हम दूर नहीं जाएंगे, हम यहीं के उदाहरण लेंगे, इस घर का उदाहरण लेंगे। हमारे रोहित जी मोहिनी जी के बेटी हैं, प्यारी बेटी हैं, नाम भी खूबसूरत रखा है अपने। और जो इनके श्रीमान जी हैं, हमारे जमाई राजा हैं वो, क्योंकि मेरे छोटे भाई के जमाई राजा के भाई है वो, इसलिए मेरे दामाद हुए ना। और अपने दामाद को भी हम एक बेटा जैसा ही मान सकते हैं। सुमन ध्यान देना, सुमन बेटा आप कभी रामायण पढ़ो और आप पाओ श्री रामचंद्र मानस रामचरितमानस में जब राम जी भगवती मैया सीता को लेकर के अवधपुर जाने की तैयारी में लगे हुए हैं, तो उस समय आप राजा जनक और मैया सुनेना जी का बर्ताव देखिएगा। पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास ने जो वर्णन किया है वो आधुनिक है, आध्यात्मिक है। वो ऐसा वर्णन किया है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना प्यार ससुराल में भी मिल सकता है। ऐसे एक जमाई राजा को भी हम अपना पुत्र मान सकते हैं। ये तो हमारे बहुत बूढ़े पुराने कह दिए कि जमाई राजा लोग हाथ मत लगाना, जिंदगी भर जो जमाई राजा अपने ससुर सास को खिलाया पिलाया सब कुछ किया और अंत में जब अंत्येष्टि की समय आई तो उस समय वर्जित कर दिया लोगों ने, गलत हो रहा है। बिल्कुल मैं व्यासपीठ की तरफ से कह रहा हूं ये गलत हो रहा है। ये हमारे पिछड़े हुए लोग जिनमें वो तत्व ज्ञान नहीं मिला था, ऐसा ही लोग ऐसे बोलते हैं। अन्यथा जमाई राजा भी हमारे पुत्र होते हैं। तो यहां वर्णन हुआ है कि जो एक संतान से सेवा प्राप्त करता है वो स्वर्ग आदि लोकों में जाकर के आनंद पूर्वक रहता है। इस बात में अनुमान की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में भी देखा जाता है, साथ ही वेद स्मृति आदि भी संतान वचन है कि पुत्रवान मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए मेरा एक निवेदन हरदम होता, आपके माता पिता है ना, तो इनको ऐसा सेवा करो भाई जिनको जीवित आप जितना व्यंजन खावा सकते हो खवाओ, मरने पर 13 दिन के काम पर 6 मास के काम पर उस सब्जियां मत खोजो जो आपने कभी खिलाया नहीं था जिंदा में। धन्यवाद धन्यवाद। नहीं ये तो अंदर से आ रही मेरी बात, मैं देखता हूं क्योंकि मैं कराता हूं, कितना अंतर्दृष्टि कराता हूं और मैं किसी किसी के निजी जीवन में मैं उनके साथ में 25 साल से जुड़ा हूं और मैं देखता हूं जो काम जीवित में नहीं करते वो मरने पर करते हैं। इसलिए जीते जी उनका सेवा कर लो, सबसे बड़ी मेवा तो वही मिलने वाली है भैया उसके बाद। मात पिता के चरण छुए जो चार धाम की रत फल पावे, कोई शक नहीं इसमें। आप तीर्थ गए नहीं गए, आप गंगा स्नान किए ना किए, चारों तीर्थों का चारों धामों का फल आपको मिल सकता है। कब? आप जब नित्य प्रतिदिन अपने माता पिता का आपने सेवा करी है। तो मात पिता के
चरण छुड़े जो शारदा यहां बोल रहे हैं घर जाकर के भूल मत जाना, इसको करो और इसका फल जो है बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, थोड़ा नहीं बहुत मीठा है। एक पिता अपने पुत्र को देख करके अगर आंसू बहा देता है खुशी के मारे, तो समझ लेना सारे देवी देवताओं ने आप पर बारिश करी है पुष्पों की। एक मां अपने पुत्र को अपने छाती से लगा लेती है, समझ लेना स्वयं भगवती आदि शक्ति जगदम्बा की महान कृपा बन गई हमारी, क्योंकि वो सारे जगत की जननी है और वो हमारी जननी है। ऐसे पुत्र प्रेम में विलीन व्यास जी महाराज सोच रहे थे कि अगर हमारे भी कोई पुत्र होते तो, और मन में किया हुआ संकल्प को पूरा करने के लिए थोड़ा सा हट करके जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि भगवती मैया शिव भगवान से प्रश्न करती है, क्योंकि देवऋषि नारद का आगमन होता है एक दिन कैलाश पर्वत पर। रोहित जी इधर उधर देख रहे हैं तो मैया ने पूछा भी क्या देख रहे हो नारद जी, बोले मैं खोज रहा हूं भगवान सदाशिव किधर है, बोले कहीं गए। अच्छा कहीं गए मैया, तब तो बैठ ले थोड़ा बात कर ले फिर आपसे, और जल्दी से पलथी मार लिए पद्मासन लगा लिए। ब्रह्म नारद जी हो, बोले बैठो मैया कुछ बातें हैं आपसे। अब आप मैया पार्वती भी उतावला हो गए कि नारद जी कौन सा ऐसा बात करने वाले हैं हमसे आज। तो बोले मैया एक बात बताओ, बोले क्या पुत्र, बोले क्या देवादि देव महादेव सब कुछ तुम्हें बता देते हैं, बोले हाँ सब कुछ बता देते हैं बस, बोले सब कुछ, बोले हाँ अपने तो गुरु मंत्र भी अगर उसके पास होना वो भी हमसे बता देते। तो मैया कभी उसने बताया आपसे कि गले में जो वो मुंडों की माला पहनते हैं वो किनकी है,
अब मैया को लगा ये तो गड़बड़ होगी, ये तो कभी भगवान ने बताया ही नहीं। मैं देखा वो पहनते हैं नित्य प्रतिदिन, लेकिन किनका है ना मैंने पूछा ना उसने बताया। अब देव ऋषि धीरे से निकलना जाना चाह रहे हैं क्योंकि आग लग चुकी है। अब बस थोड़ा सा घासलेट डालना है, थोड़ा सा केरोसिन डालना है और थोड़ा सा उसमें सूखा घास डालना है और स्वयं जल पड़ेगी। यही होते हैं हमारे बीच में कई, और ऐसे वालों को नारद बोलते हैं। जो जाकर के जगत के लिए कल्याण करते हैं उनको नारद नहीं बोलते। नारद का मतलब क्या है? जिनके वाणी कभी झूठा ना हो, रद्द ना हो, उनका नाम नारद। और जब भगवान विष्णु अपने उनके सामने पाए तो बोले, हे देव ऋषि, बड़े दिनों बाद आपके आगमन हुए हैं, कैसे हो आप? बोले, ठीक हो प्रभु। बोले, मन में आपके कुछ लग रहा है कि आप बड़े झुलझे हुए हो, क्या बात है मुनिवर? बोले, प्रभु, मैं सब लोक का भ्रमण करके पृथ्वी पर जब गया तो पृथ्वी पर लोगों को अपने अपने कर्मों के आधार पर मैं उनको दुखी जीवन में देख करके मैं सोचा आपके श्री चरणों को आऊं और पूछूं कि प्रभु इन मनुष्य के लिए कौन सा उपाय है, कौन सा ऐसा वो तप व्रत नियम अनुष्ठान करें कि उनके जीवन में सुख समृद्धि शांति मनवांचित फल मिले। वाह, भगवान विष्णु मगन हो गए सुनते सुनते। क्या बात है देव ऋषि नारद, आप जैसा संत खोजना मुश्किल है। क्यों भगवान ने क्यों ऐसा कहा? भगवान ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो दूसरों के लिए जीते हैं वही तो संत है। उमेन जी, दोस्त भैया, समझें, जो दूसरों के लिए जीते हैं वही संत हैं। अपने लिए तो सब जीते हैं, गाना भी बड़ा पुराना है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ऐ दिल जमाने के लिए। लेकिन आजकल मुश्किल है, पड़ोसी भी तुम्हें देख करके जलता है, तो उनके लिए जीना बेकार है। जो स्वतंत्र होते हैं, जैसे संत स्वतंत्र होते हैं ना, अंजलि गत जिमि सुमन गिरी सब सुगंध कर दे। है सुमन, आप आज आ गई है सामने तो आपका नाम बार बार लेना पड़ता है ना। अंजलि, हमारे हमारे बहुत पुराने, हमारे बहुत ही प्यारे दोनों दंपति ना, मास्टर सत्येंद्र जी और सुमन, दोनों बहुत प्यारे। ऐसे उनके हाथों में जैसे संत हो ना, ऐसे संत होते हैं, हाथ में पुष्प रख दो, नहीं जानेगा आपका बायां हाथ है कि आपका दायां हाथ है, बराबर खुशबू देगा। ऐसे ही संत होते हैं, नहीं जानते कि आप ऊंचे हो आप नीचे हो, नहीं जानते हैं आप ब्राह्मण हो आप शूद्र हो, वो नहीं जानते हो आप अमीर हो गरीब हो, वो नहीं जानते, वो कुछ नहीं जानते, वो स्वतंत्र होते हैं, सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं, समभाव से देखते हैं। संत सरल समान चित, हित अनहित नहीं, कोई किसी प्रकार का उनमें प्रपंच नहीं है। इसलिए देव ऋषि नारद जगत कल्याण के लिए प्रभु से यह वाक्य पूछा था कि प्रभु ये मनुष्य क्या करेंगे, अपने लिए नहीं पूछा। इसलिए वो संत, ऐसा संत ही होना चाहिए। आज देवऋषि आए हैं लेकिन जगत कल्याण के लिए उनको कुछ करना तो है, इसलिए पार्वती मैया को ये लगा करके चले गए कि शायद देवादि देव भूल गए होंगे मैया बताने के लिए, या कुछ छुपा रहे हैं तुमसे। बस निकल लिए, रास्ते में शंभुनाथ जी मिल गए, और जब मिले तो शंभुनाथ देखा बड़ा हड़बड़ी में देवऋषि नारद। बोले, कहाँ जा रहे हैं मुनिवर? चलो चलो, थोड़ा चाय पानी, चाय तो नहीं पीते ना, पानी तो पी ले। बोले, नहीं नहीं प्रभु, अभी और कहीं जाना है हमें, और आप जाओ ना, मैया प्रतीक्षा कर रही है आपकी। और मैया कैसे प्रतीक्षा कर रही है दोस्त? ऐसे प्रतीक्षा कर रही है, रोज जो एक सुंदर घड़ा में ठंडा ठंडा जल लेकर के द्वार पर स्वागत करती थी शंभुनाथ भगवान को, आज कोई जल बल नहीं है, ना तो मैया पार्वती ही दिख रही है। शंभुनाथ ने अपने सर को अंदर डाला, अभी शरीर बाहर है द्वार से, और झांक रहे हैं कि गई किधर, और
दूर कोने में देखा, जैसे मैया केकई ना कोप भवन में गई थी, ऐसे ये भी कोप भवन में, कोप मुद्रा में है और एकदम बिल्कुल पीठ शंकर जी यानी द्वार के तरफ। अब शंकर जी घबरा गए, ये तो पहली बार मैं देख रहा हूं ये नाटक, ये क्या हो रहा है। और जब अंदर गए हैं तो बोले देवी क्या बात है, कोई स्वागत नहीं आज, कुछ नहीं बोली। ऐसे होता है मोहिनी, कभी कभी ऐसे हो जाता है ना, सब घर की कहानी है भैया। कोई बोले हमारे घर में नहीं होता, गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। दुल्हन से पूछिए, हम उम्र दुल्हन से पूछिए, पता नहीं चले कब हम आई थी। हर घर की कथा है भैया, हर घर में कहीं छोटी मोटी नोक झोंक होती रहती है, लेकिन उसको जल्दी निपटा लो, बस यही है। आज शंकर जी प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी निपटा ले हम, क्या प्रॉब्लम है पार्वती जी की, हमारी देवी जी की क्या प्रॉब्लम है। और जो प्रॉब्लम को पूछने के मन उतावला हुआ है, बोले देवी क्या बात है, बोले पहले तो बताओ क्या हर बात आप तुम मुझसे बताती हो। बोले हाँ हर एक बात बताता हूँ मैं। तो बोले अभी तक आपने क्यों नहीं बताया कि जो आपने गले में मुंडो की माला पहन रखी है ये किन किन की है। शंभुनाथ फंसे, अब जाने महादेव जी कि नारद यही करके गए हैं। बस बेटा किधर गए हमारे छोटू, आज उनका एक भजन हो जाए। अरे बेचारे, उनके तो पहले छात्र हम लोग जुटिया है। अच्छा, बोले श्री नारायण भगवान की, बोले शंभुनाथ भगवान की, धन्यवाद धन्यवाद। अरे कल गाए थे जो हमारे सौरभ, ठीक है बेटा एक छोटा वाला सुनाए दो, क्योंकि हम चाहते हैं बच्चों को प्रोत्साहित करें और बच्चे ऐसे महफिल में, ऐसे संगीत के सत्संग में, ऐसे भजन कीर्तन में हम लोग से दो कदम आगे रहे। Thank you.
बहुत सुंदर, जोरदार, बहुत कम आप कंजूसी कर रहे हो, जोरदार ताली सरों के लिए हो जाए बेटा। सभी जितने लोग हैं जिन्होंने हमारे रोश रनीश जो हमारे दो दो कैमरा चला रहे हैं आज, इनके माध्यम से आप लोगों ने देखा है, सुना है रेडियो रिश्तिक माध्यम से भी आप कि छोटे बच्चे में भगवान का स्वरूप, कल भी इसका वर्णन हुआ था, तो आप देखें कितना छोटा सा है लेकिन संगीत के इतने बड़े ज्ञान रखे हुए हैं। दोस्त भाई, दोस्त भी हमारे घबरा जाते हैं, कल बताए ना कि दो स्वर ऊपर गाने को था लेकिन वो नीचे गाया दो स्वर, लेकिन हारमोनी का साथ में पूरा आवाज मिलाया। आइए, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आज भगवान शंकर जी तो बड़े उलझन में पड़ गए हैं, अब तो हद हो गई है, क्या करें, और मैया तो क्रोधित हुई है, और शंकर भगवान से कहा कि भोलेनाथ हे पति देव जी, आप तो मुझे अब बताना पड़ेगा ये मुंडों की माला किन किन की है। तो भगवान के मुख से निकला कि देवी ये और किन्हीं का नहीं है, आप ही का मुंडो की माला है, जब जब भी आप शरीर छोड़ती हो देवी तब तब मैं आपके मुंडो के माला बना लेता हूँ, अपने गले में पहनता हूँ, मैं इतना तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसे शंकर भगवान के जवाब माँ को पिघला दिया। और तब पार्वती मैया ने एक प्रश्न पूछा कि प्रभु आपका सर क्या होता है, आप जब मरते तो आपके सर कहा जाता है। तो शंकर जी को लगा भाई इसको कैसे समझाए, हम तो अविनाशी है, हम तो अजन्मा है, हमने तो कभी जन्म लिया ही नहीं और मेरा मृत्यु तो होने वाला नहीं है क्योंकि हम तो कल्याण है, और ये जो मेरी धर्म पत्नी है वो श्रद्धा है, और श्रद्धा का जन्म कहीं होता है और उनका अंत भी कहीं होता है, इसलिए श्रद्धा घटती है और श्रद्धा बढ़ती है, लेकिन कल्याण एक जैसा होता है, जिसको हम लोग कॉन्स्टेंट बोलते हैं, हमारी अंग्रेजी भाषा में इंग्लिश में बोलते हैं द कॉन्स्टेंट फैक्टर, और वो श्री स्वयं शंभुनाथ जी है, ना कभी मरते हैं ना कभी जन्मते हैं, सदा रहा और सदा रहेगा वही सनातन है। ऐसे श्री शंभुनाथ भगवान ने कहा कि देवी आपकी मृत्यु होती क्योंकि आपने अमर कथा नहीं सुनी ना। तो बोले अमर कथा वो कैसी कथा होती है, बोले बस बैठो हम सुनवाए तुमको, और सुनवाने लगे अमर कथा, और कहीं मैया सुनते सुनते वो निंद्रा देवी के चपेट में आ जाते हैं। अब हम तो इधर बैठे होते हैं, आप सबका मुख हमारे तरफ होता है, मैं देखा करता हूँ कौन झपसी मार रहा है, कोई उल्ट गया है, कोई क्या है, लेकिन हम होने नहीं देते हैं ऐसा, इसलिए हम दोस्त जैसे और नमन जैसे कलाकारों के साथ में बैठे होते हैं। जहां थोड़ा सा ऐसा ऐसा हिला, हम अकल पल्लवी बैठी थी इधर ना, हमारे विकास जी के बेटी, वो आराम से झटका दे रही थी, बच्चे हैं भाई, लेकिन अगर बड़े झटका देने लगे ना, क्योंकि यही तो हमारा बड़ा ही हम बोलेंगे श्राप है कि निद्रा देवी जब जब हम कथा में आए तो व्यास पीठ के पीछे ना देखिए जो चौक वाला है वहीं पर आकर के निद्रा देवी बैठ जाती है और धीरे धीरे तुमको बताती, आओ बेटा आओ बेटा आजा बेटा आजा बेटा, और तुम भी धीरे धीरे निंद्रा देवी को देखते देखते आराम से सो जाते हो। और यही निंद्रा देवी की ताकत को कोई समझ नहीं पाता क्योंकि आदि शक्ति निंद्रा देवी है, जिसको चाहे जहां चाहे सुला देती है। और मैया पार्वती कथा सुनते सुनते सो गई, लेकिन इधर सामने अंडे से फूटा छोटा सा सुग्गा, कहते हैं संत जन की अंडे में भी उखारी भर रहे थे, हमारे पहले आजा हुआ करते थे ना, बहुत पहले की बात है, उसने कहीं सुन रखा था कि जब वो कथा बताए कोई स्टोरी बतावे कोई ऐतिहासिक कथा बताए तो हमको हाँ हाँ करना पड़ता है, और जैसे हम लोग हाँ बंद कर देंगे वो कथा बंद कर देगा, क्योंकि शायद यहीं से उन्होंने सुना होगा कि मैया पार्वती कथा सुनते सुनते सो गई और होकारी इधर अंडा में से सुग्गा भरता रहा हाँ हाँ करता रहा, और अचानक मैया की नींद खुली
और पूछा हे पति देव हे स्वामी, बोले आप थोड़ा पीछे जाना, बोले हमने वहां तक सुना था रे देवी, तुमने सुना, तुम तो अभी तो भुखारी भर रही थी। बोले नहीं हमने भुखारी भर रही थी, शंकर भगवान ने उठा क्रोध में आकर के अपना त्रिशूल निकाला, कौन है जो हमारी अमर कथा को सुना, पूरा अमर कथा सुग्गा ने सुना। अब सुग्गा आगे आगे और शंकर भगवान जी त्रिशूल लेके पीछे पीछे, और भैया दोस्त जी बताए थोड़ा कैसे ये दृश्य था, कैसे शंकर भगवान पीछे भगा रहे हैं, सुग्गा भाग रहा है और इधर वह वेद व्यास मुनि महाराज के आश्रम की तरफ बढ़ रहा है सुग्गा, और इधर वेद व्यास मुनि की पत्नी जो थी ना वो भी दिन में घर्राटा ले रही थी, और भाई उसकी अद्भुत चरित्र थी, वो जब सोती थी तो इतना जोर नाग बजता था और उनके मुख खुल जाते थे, और सुग्गा भागता हुआ सीधे व्यास देव की पत्नी के मुख में हल गया। और आपने सुना है डर के मारे 12 साल तक वो बाहर निकला ही नहीं, और वेद व्यास मुनि महाराज ने सारे तत्व ज्ञान को कहता रहा, पढ़ता रहा, सुनाता रहा, और शुकाचार्य जी जो शुकाचार्य ने राजा परीक्षित को तक्षक नाग काटने पर उनको मुक्ति दिला दी, वही शुकाचार्य जी आज वेद व्यास मुनि की पत्नी के गर्भ में 12 साल तक, और उन्होंने सारे ध्यान अध्ययन कर लिए, सारे व्रत नियम को जान गया, सारे वेद मंत्र आदि जान गए, भजन हो जाए हमारे दोस्त के माध्यम से, और फिर हम चलते इस कथा को लेकर के आगे। भोलेनाथ की भजन दोनों करेंगे। सबको मालूम है भोले नीनाथ की, सबको मालूम है भोले नीनाथ की, कैसे कैलाश से सब मान ली, कैसे कैलाश से सब मान ली, कैसे कैलाश से संग में मान ली, कैसे कैलाश Thank you.
हम चाहेंगे आप सभी को हमारे दोस्त के लिए। वाह, आप लोग को शायद विश्वास नहीं इस बात को, इन्होंने अभी अभी इसको बनाया। वाह, एक अद्भुत अनोखा कला है यह। ऐसे बैठ करके ऐसे कथा के बाद में या कथा में भजन बना लेना, बुनियादि शक्ति जगदम्बा भवानी मैया के। चले कोई से हमारे सामने कुछ कोई से बात करने लगे तो हम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, सोचने लगते हैं क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या। तो आपको अगर कुछ बोलना है तो आप हाथ उठा दे, हम फिर आपको माइक्रोफोन दें, आप माइक्रोफोन दे बोले। जय सियाराम। अच्छा चलते हम आपको लेकर के, ये तो हो गई। हमारे उमेन दोस्त ने इतना प्यार से कह दिया कि शंकर भगवान के त्रिशूल आकर के देवऋषि ने समझाया कि प्रभु अब तो अमर हो गया है, और कथा अमर कथा सुन दिया तो मरेगा तो नहीं आपके त्रिशूल से वो। और ये आप ही जान ले आप लोग कि शंकर भगवान से त्रिशूल से मरा कहां जाएगा, सीधे वैकुंठ धाम जाएगा, शंकर भगवान के धाम ही जाएगा, क्योंकि भगवान के हाथों से मरने वाला सदैव भगवान के ही धाम को जाता है ना। तो ये बातें जो है ये हमें थोड़ा सा अपने आप को समझ लेनी चाहिए। तो ये थी हमारे वेद व्यास मुनि महाराज के इच्छाओं के प्रतिफल कि उन्होंने इच्छा करी हमारे भी पुत्र हो और पुत्र हो गए उनके। लेकिन वो पुत्र ऐसा था, वैरागी था, वो परमहंस। और ये कथा श्रीमद भागवत पुराण में आपको मिलने वाली है। देवी भागवत में बहुत संक्षिप्त वर्णन है, लेकिन भागवत पुराण में यह कथा जो है बहुत विस्तार से कही गई है कि शुकाचार्य जी जैसे निकले और संसारिक मोह माया से छोड़कर के सीधे वन की तरफ चले जाते हैं, और वो भी जाकर के घने जंगल में, और वो भी उल्टा लटक जाते हैं,
परमहंस, उनको संसारिक जीवन से कोई मतलब नहीं। ये है सुखाचार्य जी, यह है सुखदेव मुनि महाराज जी। और मैं अब आपको पुराण की संख्या बता रहा हूं, आप सुन लें। सूची बोलते हैं कि हे मुनीश्वर, सत्यवती सुत वेद व्यास मुनि महाराज जिस प्रकार तत्व पूर्वक पुराणों को हमें सुनाया है, मैं आप लोगों को वही बात सुना रहा हूं। तो आप ध्यान दें और मैं फिर उसके बाद में संक्षिप्त रूप में हाई गुरु की कथा और अंत में आज का भजन जो होगा हमारे घर स्वामी, हमारे घर के मालिक श्री रोहित कुमार जी के मुखारविंद से ही होगी। पहले तो आप सुन लें, 18 पुराण में से मां वाले दो पुराण हुए हैं, मां शब्द से जिनका उत्पत्ति हुआ है, और एक है मत्स्य पुराण और दूसरा है मार्कंडे पुराण। मैं संख्या श्लोक का कल बताऊंगा, लेकिन आज 18 पुराण सुन ले बस। तो दो पुराण हो गए मां से, और फिर बाद में चलकर बताया है दो जो होते हैं वो भाग वाले होते हैं। भा से शुरू होता है दो पुराण, और वो है भविष्य पुराण और भागवत। ये दो पुराण भा से शुरू हुआ, और तीन जो है ब्रह से शुरू हुआ। बा में आधारा का मात्र लगा दिया जाए वो ब्रह हो गया, और ये ब्रह से हुए हैं दो, और ये तीन, क्षमा करना, ये हुआ ब्रह्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वेदा पुराण। और चार वह वाले हुए, वह से चार पुराण हुए, उसमें वामन विष्णु वायु और बाराहा पुराण, ये हो गए चार व से। और फिर न से नारद पुराण हुए, और फिर हुआ पा से पदम पुराण, और लिंग से लिंग पुराण, और ग से गरुड़ पुराण, कु वाला जो है कुर्म पुराण, जो कछुआ के रूप में भगवान आए थे जब मंदराचल पर्वत अपने पीठ पर धर करके देवताओं के हित के लिए उन्होंने समुद्र मंथन करवाया था देवता और दानों के बीच में जो हुआ था, वह कथा जो आती है तब वो कुर्म पुराण के माध्यम से हम उसको श्रवण कर पाते हैं। स और क, अधसा और क, तो इसमें आता है स्कंद पुराण, जो भगवान शंकर के स्वयं ज्येष्ठ पुत्र हुए हैं उनके नाम से एक पुराण आया हुआ है। और ये स्कंद पुराण और पृथक पृथक जो ये सब संख्या हो गई, ये हो गई 18 पुराण। और इन 18 पुराण की श्लोक की संख्या कल आपके बीच में रखता हूं, और आपको बड़े ही संक्षिप्त के भाव से हम सुनाते हैं आपको यह जो हयग्रीव का अवतार का वर्णन, और वो कैसे हुआ ना, थोड़ा सा पीछे जाएंगे हम लोग, हम थोड़ा सा घुमा देंगे कथा। बोलिए श्री भगवती आदि शक्ति जगदम्बा भवानी मैया की मां लक्ष्मी एक दिन बैठी हुई थी और भगवान विष्णु उसको निहार रहे थे। अचानक भगवान विष्णु हंसे, और जब हंसे तो मां को लगा कि मेरा शरीर, मेरा मुखमंडल इतना कुरूप तो नहीं है जो मेरे मुखमंडल को देख करके वो हंस रहे हैं। बिना सोचे बिना विचारे क्रोध में भर गई। उस समय जो क्रोध की शक्ति रख करके, अपने तामसिक शक्ति को रख करके भगवान विष्णु को उसने श्राप दे दिया, और बहुत मंद गति से श्राप दिया, डांट करके श्राप नहीं दिया। कभी कभी होते हैं ना हमारे वाले गुस्सा जाते, बोले जा मर जाओ, जोर से बोलते हैं, चार गांव सुन लेता है। ऐसे नहीं करना चाहिए। कभी आपके वाणी सत्य हो गई ना, तो आप चिल्लाओगे जब उनके शरीर पड़ा होगा सामने, तो बोलोगे हमने काहे ऐसे बोल दिया, सच हो गया। अरे यही तो हुआ, श्री लक्ष्मी जी ने कह दिया मंद अपने उच्चारण के माध्यम से कि जो सर हमें देख करके हंसा जाए, कट करके कहीं गिर जाए। और ये श्राप के पीछे कोई राज तो था, क्योंकि हयग्रीव नाम का एक दैत्य था, और वो दैत्य है का मतलब घोड़ा, जिसका सर घोड़ा का था, शरीर मानव का था, और उपद्रव इतना, और इधर देवी देवता जितने थे सब यज्ञ के लिए
अयोध्या और भगवान विष्णु 10,000 वर्षों तक दैत्यों को विनाश करता रहा, उनसे लड़ता रहा, थक करके और एक समतल जमीन पर अपने धनुष को वो जमीन पर गाड़ करके, अपने गर्दन को धनुष के डोरी पर टिका करके और घोर निद्रा में सो गए। और घोर निद्रा में सो गए तो निद्रा देवी की अनुकंपा, क्योंकि भगवती मां ही सब कुछ कराती है, और उनके ही ये मनोबल से, उनकी ही शक्ति के कारण भगवान विष्णु इतने गहरे नींद में हो गए कि सब गए वहां ब्रह्मा और स्वयं श्री कैलाशपतिनाथ, इंद्र आदि, सूर्य सब गए और देखे तो भगवान है ही नहीं वैकुंठ धाम में। आप सबको पता है, कल भी बताया, भगवान नहीं होते हैं वैकुंठ धाम में, कहां होते हैं ना, कल आपको बताया, नामै वसामि वैकुंठ बचते तब मद भक्त्या तत्र तिष्ठा। भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, हे मुनिवर, मैं उन्हीं के बीच में जाकर के बैठता हूं। और ऐसे भगवान आज वहां नहीं है, लेकिन दानवों से लड़ते लड़ते थक गए थे, इसलिए समतल जमीन बैठ गए। और लोग जब ध्यान लगा करके ब्रह्मा जी देखते हैं और शिव जी देखते हैं तो भगवान दूर अंते कहीं बैठा हुआ है, और तब सभी जाकर के भगवान को जगाने के प्रयास कर रहे हैं। भगवान जागते नहीं, भगवान इतने घोर निद्रा में है, निद्रा देवी की शक्ति के कारण से आंख खुल नहीं रही है, कानों में आवाज जा नहीं रही है। और तब बहुत वेद आ गए, चारों वेद मनुष्य का रूप धारण करके वेद मंत्र से ध्यान करके और भगवान का उन्होंने बार बार उपासना करी, उनके उनकी श्रुतियां से उनको गायन करा, उनका गुणनावाद किया, फिर भी नहीं जागा। और सब बड़े दुखी हो गए, क्या करें, बोले क्या करें, तो कहा कि हम विश्वकर्मा जी को बताएं, क्षमा करना, ब्रह्मा जी को बताएं कि ब्रह्मा जी आप सृष्टि के कर्ता धर्ता हो, आप एक कीड़ा पैदा करो। बोले कैसा कीड़ा, वो कीड़ा का नाम वीरमी रखा, दीमक ना, खटिया के गोड़ जब फिजी में बहुत ज्यादा काट ले वो लोग ना, वो दीमक बोले उनके, बोले क्या हो, बोले दीमक लग गई। वो कीटाणु इतने खतरनाक होते ना कि आपको अंदर जाकर के सब खोखला कर देते हैं, बाहर से सब सुरक्षित लेकिन अंदर खोखला, वो दीमक होते हैं। और ऐसा दीमक नाम की बिरमी नाम का दीमक को पैदा करके ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ हम सबके लिए एक कार्य करो। बोले क्या, बोले वो जहां पर डोरी बंधी हुई ना, वो डोरी के वो भाग को आप काट दो ताकि वो मुक्त हो जाए डोर और भगवान जाग जाएंगे। बिरमी ने कहा कि भाई इसमें मेरा क्या मिलेगा, स्वार्थ के सब संसार। तो देवताओं ने सब मिलकर के एक निर्णय किया कि आज के बाद में हे वीरनी, जितना यज्ञ होगा सुहा सुहा बोला जाएगा, यज्ञ में हमी शान डाली जाएगी, जानबूझकर मत गिरना, अगर गिर गया तो वो वीरनी का भाग है, उसको उठा करके यज्ञ कुंड में नहीं डालते हैं, उसको झाड़ पोछ करके अच्छे से रख देते हैं और वो दीमक आकर के उसको खा लेगा, उसका पेट भर जाएगा, उसका आशीर्वाद श्रीमद देवी भागवत पुराण से ही निकलता ही है और उनका भाग है, और हम जानबूझ करके देंगे तो वीरमी तुम्हारे घर में आएगा, रोज घोरेगा, लेकिन अचानक गिर गई, अनायास गिर गई तो गिर गई, वो उनका भाग है। और उन्होंने राजी खुशी से जाकर के अग्रवाल को काट दिया, और जैसे कटा एक भयंकर ध्वनि होती है, हाहाकार मच गया, इतना ज्यादा शब्द, इतना शोर, और जब खुरीला हो गया, सप्तम अंधकार हो गया, जब सब शांत हुआ तो देखा गया कि भगवान विष्णु के सर है, भगवान विष्णु के सर कट गया और कहीं अंत जा करके गिर गया। भगवान का जो शरीर है बिना सर का पड़ा हुआ है,
और उस समय देवी देवता सब रोने लगे, सब अकरंद करने लगे। और तब बड़े शांत भावना से ब्रह्मा ने कहा, इस समय रोने का समय नहीं है, हम लोग को कोई उपाय करना पड़ेगा। और उपाय करते हुए वेदों से कहा कि आप देवी भगवती का स्तुति करो, क्योंकि जो हो रहा है भगवती जगदम्बा की ही, उनके ही श्राप से हो रहा है, उनके ही मनोबल से हो रहा है, उनकी शक्ति के कारण से ही हो रहा है। और तभी क्या होता है, आदि शक्ति जगदम्बा मैया प्रसन्न हो जाती है वेदों की सुंदर ध्वनि को सुन करके, और उन्होंने आकाश मार्ग से अपनी आकाशवाणी के माध्यम से देवताओं को कहा कि हे देवता, आप लोग जल्दी से काम करो, क्योंकि एक हय गुरु नाम का दानव है जो ना वो बहुत उपद्रव कर रहा है, और ये कथा जो है इनसे जुड़ी है कि आज सर नहीं है भगवान का, इस कारण से क्योंकि उनको हय गुरु का अवतार धारण करना है। विश्वकर्मा को याद किया गया, विश्वकर्मा आए और अपने तलवार से एक घोड़े का सर काट करके और भगवान विष्णु के बिना शरीर बिना सर वाला शरीर पर उन्होंने लगा दिया, और हय गुरु नाम का वो भगवान का अवतार हो जाता है, जो जा करके ओ तानव राज श्री हय गुरु को उन्होंने बध किया। बोलो श्री हय गुरु भगवान की जय। और ये कथा सच में, ये तो दो दो घंटा तीन तीन घंटा वाली कथा है ना, लेकिन क्या करें, हम एक और आधा घंटा में कितना बता पाएंगे, जितना बता पाएंगे। आइए आज की कथा को हम लोग यहीं विराम करने जा रहे हैं, लेकिन विराम मैं चाहता हूँ ऐसा हो कि घर के स्वामी जो है ना वो गा गा करके नाच नाच करके और बता दे कि आज पांचवी रात की कथा ऐसी गई है। हमारे श्री रोहित कुमार जी और आज के अंतिम में आरती के बाद में हमारे बीच में हमारे मामा आएंगे और उनके मुखारी से हम लोग दो शब्द सुनेंगे आशीर्वाद। गूंजे सदा जयकार हो मैया तेरे Oh,
उसको तो ताली मिलना चाहिए, ताली मिलना चाहिए। बहुत धन्यवाद है रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह आनंद आ गया, आनंद आ गया। अब हम लोग खड़े हो जाएंगे दोस्त जी, हमें आरती करेंगे। धन्यवाद। और आरती के बाद में हम मामा धर्मानंद जी से निवेदन करेंगे कि आपने वक्तव्य को हमारे बीच में रखे। मैं रेडियो रिश्ते से अब विदा लेना चाहूंगा और कल फिर शाम को आपके बीच में 7:30 बजे न्यूजीलैंड टाइम हम पुनः छठा रात्रि की देवी कथा को लेकर के श्रीमान और श्रीमती रोहित कुमार और मोहिनी कुमार तथा उनकी बेटी श्वेता और उनके जमाई राजा मोहिनेश के घर पर हम लोग फिर मिलते हैं। जय श्री राम।